सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमले के बाद महाराष्ट्र के सीएम शिंदे सलमान खान के घर मिलने आए और शिंदे ने सलमान खान की सिक्योरिटी और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ी बात कही और मीडिया को इंटरव्यू देने के बाद शूटरों को बहुत ही जल्दी पकड़ने का दावा भी किया गया है। चलो वीडियो को हम पूरा देख लेते हैं। सलमान को पूरी तरह सुरक्षा देने की सूचना मैंने पुलिस कमिश्नर को दी है, उसके परिवार को भी सुरक्षा देने की सूचना दी हुई है। ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं, किसी की दादागिरी या मुंबई महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। उनको पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। सलमान को मैंने सलमान की भेंट हुई है और उनको मैंने कहा है पूरी सरकार आपके साथ है। जब यह हादसा हुआ था तब मैंने पुलिस कमिश्नर को तुरंत सुबह ही सूचना दी थी जल्द से जल्द ये पुलिस कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। तो कल ही इनको भुज में से अरेस्ट हुआ है, दोनों को, विक्की गुप्ता और एक सागर पाल जो चंपारण बिहार के हैं, उनकी पुलिस कस्टडी है अभी और पुलिस कस्टडी में पूरी तरह पूछताछ होगी और इसकी पूरी जड़ तक ये केस जानी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसको बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर से ऐसी हिम्मत मुंबई में किसी के ऊपर ना करे, ऐसा पुलिस कार्रवाई। अंडरवर्ल्ड एक तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन क्या इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग फिर से एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको भरने की कोशिश इस तरह से कर रहा है, कैसे इस पे लगाम लगेगी? ये महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। अरे बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है और ये ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं, किसी की दादागिरी या मुंबई महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। और ये जो पकड़े हुए हैं उनसे पूछताछ शुरू है, ये जड़ तक पूरी इंक्वायरी जाएगी और जो भी इसमें शामिल है जो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और इसके अंदर सलमान को पूरी तरह सुरक्षा देने की सूचना मैंने पुलिस कमिश्नर को दी है, उसके परिवार को भी सुरक्षा देने की सूचना दी हुई है और बिल्कुल सलमान को कहा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार आपके साथ है, ये सरकार लोगों की सरकार है और इसलिए लोगों की हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना हमारा काम है, वो हम करेंगे।